पंडित दीनदयाल उपाध्याय दीनदयाल धाम में रविवार को गौ पूजन किया गया। गौ पूजन के उपलक्ष में दीनदयाल धाम के निर्देशक राजन सिंह ने बताया कि गौ सेवा करने से शरीर के कष्ट दूर हो जाते हैं और गौमूत्र से कैंसर का इलाज किया जाता है। गौ सेवा हमारे हिंदू धर्म में पूज्य मानी जाती है और गौ माताओं की सेवा करना एक सौभाग्य भी बताया गया है। इसके विपरीत उन्होंने ये भी कहा कि जो कोई भी गौ सेवा करता है उसे कभी भी शरीर के अंदर रोग नहीं रहता। इसके उपरांत गोवर्धन के विधायक कारंदा सिंह भी गौ सेवा में पहुंचे। उन्होंने भी दीनदयाल धाम के गौशाला में गायों को चारा खिलाया। इस दौरान फरेड चेयरमैन के पचौरी भी उनके साथ रहे। इस मौके पर भाजपा विधायक कारंदा सिंह ने बताया कि भाजपा सरकार गौ माताओं पर पूर्ण तरीके से ध्यान दे रही है। भाजपा के सभी पदाधिकारी दीनदयाल धाम गौशाला में मौजूद रहे। इसमें ठाकुर के सिंह, सुल्तान सिंह, सुरेश चौहान, विनोद सिंह, ज्ञानेंद्र शर्मा आदि लोग भी शामिल थे। बताएं सर, आज ये दीनदयाल उपाध्याय की गौशाला पर आज जो पूजा और ये जो ब्रह्म भोज रखा गया है, किस कारण रखा गया है, क्या कारण है इसका? एकाध मानव के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के यह जन्म स्थान है। वो एक राष्ट्र ऋषि थे, उनके नाम पर यहाँ पर गौशाला चली और यहाँ की गौ माताओं में आज के दृष्टि से एक बड़ी शक्ति ऐसी समझ में आ रही है। अनेक गौ भक्त अपनी अपनी समस्या लेकर आते हैं और गौ माता को कुछ ना कुछ खिलाते हैं और उनके कान में अपनी समस्या बोलकर जाते हैं। उनकी समस्या जब हल हो जाती है तो यहाँ कुछ ना कुछ गौओं के लिए और बाकी लोगों के लिए प्रसाद आदि करते रहते हैं। दीनदयाल उपाध्याय जी स्वयं में एक आध्यात्मिक पुरुष थे। मुझे लग रहा है उनकी शक्ति और गौ माता की शक्ति मिलकर के समाज के कल्याण कर रही है और स्वयं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी एकात मानव के प्रणेता गरीबों के लिए अंत्योदय शब्द लाए और गरीबों की चिंता करते रहे। नर सेवा, नारायण सेवा, शायद इसी को ध्यान में रख करके गौ माता भी ये करती हैं। हमारे बगल में बैठे हैं श्रीमान राकेश कुमार जी, अध्यापक हैं प्राइमरी में, हेडमास्टर, और आज इनके अंदर प्रेरणा गौ माता की कृपा से जगी है और इन्होंने ही आज का आयोजन पूर्ण किया है। बाकी चीज़ इनसे आप पूछेंगे तो इनको क्या लाभ और नुकसान हुआ ये बताने वाले। पारिवारिक समस्याओं से पीड़ित थे जी, गौ माता की तरफ आकर्षण बना, भाई साहब के आशीर्वाद से मार्गदर्शन में गायों से प्रेम किया, यहाँ आना शुरू किया, थोड़ी सेवा करी तो बहुत बड़ा फल मिला मुझको और मैं शांति से आज जीवन यापन कर रहा हूँ और इसलिए मैंने ये आयोजन। नहीं, क्या प्रेरणा रखी गई थी आप जो आज आपकी प्रेरणा पूरी हुई है? कि गाय की सेवा से ही हमारे जो है सभी कष्ट पीड़ा हरने का एकमात्र साधन ही रह गया ऐसा लगता है। और मैंने जैसा किया तो मुझको उसका प्रतिफल के रूप में परिणाम मेरे सामने आया कि मेरी जो व्यवस्थित दिनचर्या जीवन शैली है वो बढ़िया चल रही है और मैं धन्यवाद देता हूँ गौ माता को, दीनदयाल जी पंडित जी को, जिनकी आदर धर्मस्थली पर मुझको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं गौ माता के नाम से आपके सामने बैठा हूँ। आप मानते हैं गाय में भगवान का वास होता है? जी बिल्कुल मानता हूँ, गाय को कई बार भगवान को ही जाती है। बिल्कुल, गाय शब्द ही मतलब एक पूजनीय शब्द है, इसकी कोई तुलना ही नहीं की जा सकती।